तो हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप IDBI का जो ATM कार्ड है उसका पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो पहले आप कार्ड को मशीन के अंदर इंसर्ट करना है आपको, और थोड़ा रुकना है। उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जनरेट ATM पिन, तो ये हम करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और कार्ड को आप निकाल लेंगे ATM कार्ड को। और इसी दौरान आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे चैनल में अगर आप नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। तो OTP रिसीव करने को बाद आपको फिर से ATM को मशीन के अंदर इंसर्ट करना है। आपको ध्यान रखना है उस OTP का टाइम होता है, वैलिड टाइम होता है 30 मिनट्स, ठीक है। तो फिर से मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश को, उसके बाद जनरेट ATM पिन को, उसके बाद वैलिड OTP को। और यहाँ पे आपको OTP एंटर करने को बोल रही है। उसके बाद आपको कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको और बता दूं, जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP भेज दिया गया था उसी बाद उसी SMS के थ्रू एक रिक्वेस्ट ID भी भेज दिया था, उस रिक्वेस्ट ID को आपको एंटर करना है। फिर से आपको कॉन्फर्म पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं योर OTP इज वैलिडेट सक्सेसफुली, प्रेस कंटिन्यू टू जनरेट न्यू पिन, ठीक है। तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और आपको बोल रहे हैं कि प्लीज एंटर योर न्यू पिन, मतलब आपके हिसाब से जो आप पिन रखना चाहते हैं उस पिन को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं कर देता हूँ और उसके बाद आपको री एंटर करना है सेम पिन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पिन हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज यूज योर न्यू पिन फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मतलब आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके हिसाब से जो पिन आपने रखा था उस पिन को आपको यूज करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।